मुख्तार अंसारी का बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज उनके शव को बांदा से पैतृक गांव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद लाया जाएगा। इस बीच मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने उन्हें धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। वहीं उनके भाई और गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अफजाल अंसारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाई मुख्तार अंसारी की तस्वीर शेयर की। इस दौरान वो भावुक नजर आए और लिखा, उनकी मौत को शहादत बताया। अफजाल ने कहा, कायद हिम्मत जुर्रत सफकत मोहब्बत और शहादत हैशटैग मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने भी मुख्तार की मौत को साजिश बताया और कहा कि हमारी तरफ से बार बार ये कहा गया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। हमें कोर्ट पर भरोसा था रहेगा, लेकिन अब लग रहा है हमारे देश से न्याय से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अगर किसी कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान नहीं लिया, सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं कई ऐसी घटनाएं हैं। सिबगतुल्ला अंसारी ने कहा, ये खुली हुई साजिश है, उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। सत्ता में बैठे सारे लोगों की साजिश है। मौत कैसे हुई ये सब जानते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए और कहा कि पोस्टमार्टम कहीं भी होगा, कागज पर वही लिखा जाएगा जो ऊपर से कहा जाएगा। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने इस मामले की जांच की मांग की है और उन्होंने कहा, मेरे पिता को खाने में जहर दिया और इलाज मुकम्मल नहीं दिया गया। ये मौत नहीं है, हत्या है। लीगल तरीके से जो जांच करवाने के प्रयास होंगे वो हम करेंगे। मुझसे 3:30 बजे बात हुई तो बताया था कि वो बेहोश हो गए थे, मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे थे, इतनी कमजोरी थी। आने को कहा तो बोले मत आना, उन्हें एहसास था बॉडी यही रह जाएगी, रोग मेरी जाएगी।